कि ये अमृत महोत्सव नहीं होगी हम लोगों के लिए, ये अफसोस की दिवस होगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम वंदे मातरम। आज के दिन हम आजाद नहीं, आजाद तो हम पहले थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत। आज़ादी के अमृत महोत्सव आज पूरा देश मना रहा है, और वहीं यहाँ पर राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। बहुत दिनों से ये लोग बैठे हैं, आज के दिन ये लोग कैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते हैं, ये हम लोग इनसे जानेंगे। तोलनकारी मौजूद हैं जो यहाँ पर राजभवन के पास झंडा तोलन किया है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। बताइए, आज अमृत महोत्सव के अवसर पर जो पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, आप लोग यहाँ पर झंडा तोलन कर रहे हैं? जी, आज झारखंड की राजधानी राजपाल भवन के पास हम लोग लगभग 4 महीने से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह में हैं, और आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ साथ में कितने यहाँ पर अपने हक और मांग को लेकर के धरना दे रहे हैं। आज पूरे देश 75वां आज़ादी के महोत्सव पर अमृत महोत्सव मनाने जा रही है, अर्थात मनाई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज एक एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने बच्चों को रोटी कैसे खिलाए जाएंगे, अपने बकाया हुआ मजदूरी का भुगतान कैसे होगा, हमारा जीवनचर्या कैसा होगा, इसके लिए भीख मांगने के लिए रोड पर पड़ी हुई हैं। आज पूरा देश अमृत महोत्सव मना रही है, किस खुशी में मना रही है, ये सोचने वाली बात होती है। हम सब इस रोड पर बैठ करके अपने न्याय की गुहार कर रहे हैं। संविधान के साथ खिलवाड़ ना हो, पूर्ण रूपेण संविधान का अनुपालन हो, इसको कहने के लिए बैठे हुए हैं। और सरकार कान में पता नहीं कौन सा तेल लगा करके सोई हुई है। यहाँ पर संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के तेल कौन सा तेल लगा हुआ है जो आज तक सुनने को भी मजबूर नहीं है। बड़े दुख के साथ हम लोगों को कहना पड़ता है कि ये अमृत महोत्सव नहीं होगी हम लोगों के लिए, ये अफसोस की दिवस होगी। और मैं खुले दम के साथ कहता हूँ कि ये अमृत महोत्सव नहीं, हम गरीबों की अफसोस दिवस होगी। यही संदेश देना चाहता हूँ मैं, क्या केंद्र सरकार को मैं संदेश देना चाहता हूँ मैं। तो हमारे साथ एक लेडीज भी है, उनसे भी हम जानेंगे। मैडम, आप बताइएगा कि आज आप अमृत महोत्सव मना रही हैं और यहाँ पे धरना देकर अमृत महोत्सव मना रही है, कैसा आपको क्या लग रहा है? ये अच्छा नहीं है, भले हम इस रिवाज में हैं लेकिन हम खुश नहीं हैं। कहे कि आज के दिन हम आज़ाद नहीं, आज़ाद तो हम पहले थे। 1947 में देश आज़ाद हुआ और ये झंडा फहरता है, वो सही नहीं है हमारे लिए, हम आदिवासियों के लिए। जब हम आज़ाद 1947 में आज़ाद से पहले रानी विक्टोरिया थी, वो हम लोग को स्वतंत्र रहने के लिए स्वेच्छा से छोड़ दी थी, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो बस सत्ता चेंज हुआ, हम आज़ाद नहीं हुए। और यहाँ पे जब यहाँ पे बोला गया कि गोरे से तो आज़ादी मिल गया लेकिन काले से आज़ादी नहीं मिला, यहाँ पे बोला गया अभी जैसा, उस पर आप क्या कहना चाहिएगा? मतलब अंग्रेज तो चले गए, उन लोग से हम गुलाम बहुत नहीं थे, थोड़ा बहुत थे, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग पर वो लोग दुख नहीं दिए जो आज हम लोग को दुख मिल रहा है काले लोगों से। तो जैसा कि हमने सुना कि काले लोगों से ही इनको प्रॉब्लम है, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन इनको अभी काले लोग से ही प्रॉब्लम है। और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव यहाँ पर झंडा तोलन करके मनाया, जैसा कि आपने विजुअल के माध्यम से देखा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।